के जिला अभिभाषक संघ कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के वर्तमान में विभिन्न गतिविधियां राष्ट्रीय लोक अदालत, बाल विवाह प्रतिषेध अभियान, कोविड हेल्प, बाल श्रम निषेध आदि के संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेषन न्यायाधीश मीना अवस्थी ने बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा 14 मई को अलवर जिले के समस्त न्यायालयों में निलंबित प्रकरण या विवाद पूर्व प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित प्रकरण, पी लेपटेशन प्रकरण व राजस्व प्रकरण को शामिल करते हुए अधिकाधिक प्रकरणों को चिन्हीकरण निस्तारण के साथ साथ योजना बनाकर नियमित रूप से समझाइश के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। प्री काउंसलिंग, डोर स्टेप काउंसलिंग कार्रवाई की जाएगी। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार हर बार की तरह इस बार भी 14 मई को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हो रही है। और माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जो दिशा निर्देश हमें जारी किए गए हैं, उन दिशा निर्देशों की पालना में राज्य के समस्त न्यायालयों में ये लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत का स्कोप काफ़ी विस्तृत किया गया है, जिसमें न केवल न्यायालयों में लंबित मामले बल्कि राजस्व मामलों में और विभिन्न ट्रिब्यूनल्स में लंबित मामले, नगर परिषद, अन्य स्थानीय निकायों के मामले, ऐसे मामले जो कि भविष्य में कभी न्यायालयों में आने की संभावना है, उन मामलों को भी प्री लिटिगेशन स्तर पर ही सुलझाने के लिए लोक अदालत में प्रयास किए जा रहे हैं। और काफ़ी संख्या में लोगों हमारे समक्ष मामले आ रहे हैं प्री लिटिगेशन के लिए, और लोगों का अच्छा रुझान है और लोग चाहते हैं कि मुकदमा दर्ज होने से पहले ही हमारे समस्या का निराकरण हो जाए, हमारे विवादों का निपटारा हो जाए। गृह कर के संबंध में अच्छी छूट दी जा रही है, ये आम जन तक सूचना पहुंचनी चाहिए कि अगर हम गृह कर जमा कराते तो लगभग 50% तक छूट भी इस बार स्थानीय निकाय द्वारा दी जा रही है। और ऐसे मामलों का अगर यही अंत हो जाता है तो भविष्य में ये मुकदमे न्यायालयों में आने की संभावना नहीं रहेगी। न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ निरंतर बढ़ता जा रहा है और उस मुकदमे के बोझ को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना ये आम जन में जरूर जागरूकता फैलाएगा और ये इसके प्रयास को सफल करेगा।